वेलकम शूटर्स, हमारे YouTube चैनल 10.9 शूटिंग अरीना में आपका स्वागत है। शूटर्स, आज हम बात करने वाले हैं 31st GB मावलंकर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में, जो कि 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर 2022 तक वाटी उरकाबू तिरुवनंतपुरम केरला में करवाई जा रही है। दोस्तों, ये चैंपियनशिप जो है NRAI और स्टेट राइफल ऑफ एसोसिएशन केरला के द्वारा करवाई जा रही है। सारे मैचेस जो हैं दोस्तों, वो NRAI रूल अमेंडमेंट 2022 जो कि जनवरी में हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग सारे मैच कंडक्ट करवाए जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं रूल्स बुक के बारे में, तो www.thenrai.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा अभी जो इसके मेन पॉइंट है चेंजेस के, वो इस वीडियो में आगे आपको जानने को मिल भी जाएंगे। शूटर्स जो इसमें एलिजिबल हैं, यानी कि मावलंकर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में जो एंट्री भेज सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है दोस्तों, जिस भी स्टेट को आप रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी आप रिप्रेजेंट करते हो, तो वहाँ पे एक MQ स्कोर है। जब आप स्टेट खेलते हो तो MQ का मतलब है दोस्तों कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर, अगर आप वो अचीव करते हैं तो ही आप मावलंकर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में आप अपनी एंट्री को भेज सकते हैं। अभी हम बात करते हैं एंट्री फॉर्म और एंट्री फीस के बारे में। तो सबसे पहले यह है कि एंट्री के लिए आपकी शूटर आईडी बनी होनी चाहिए। अगर आपकी शूटर आईडी नहीं बनी है तो आप NRAI के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके अभी अपने आप शूटर आईडी बना सकते हैं। शूटर आईडी बनाने के बाद आप उसके अंदर अपनी एंट्री भेज सकते हैं। एंट्री जितनी भी है दोस्तों, चाहे वो किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एंट्री सारी की सारी ऑनलाइन ही ली जाएंगी, कोई पेपर एंट्री नहीं है इसके अंदर। और दूसरा दोस्तों फीस का है। फीस इसके अंदर दोस्तों, आप जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2022 शाम 5 बजे तक आप पे कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल फीस के साथ आपने पे करना है। अगर आप किसी रीज़न की वजह से नहीं पे कर पाते हैं, तो लास्ट डेट जो वो 3 अक्टूबर 2022 है, लेकिन उसके लिए आपको 3 times एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके लिए। शूटर, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनकेस अगर आपको शूटर आईडी बनाने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर एंट्रीज भेजने में आपको कोई दिक्कत आ रही है मावलंकर के लिए, तो आप NRAI को मेल कर सकते हैं। लेकिन वो जो मेल करेंगे आप, वो 30 सितंबर शाम को 5 बजे से पहले करना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद मेल करोगे तो आपको ट्रिपल एंट्री फीस देनी पड़ेगी उसके लिए। तो मेल आईडी जो है दोस्तों, वो है indiashooting@gmail.com। ओके शूटर्स, अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन के बारे में। पार्टिसिपेशन में शूटर्स कैटेगरीज हैं इसके अंदर। पहली कैटेगरी जो है वो सब यूथ है, फिर यूथ है, फिर जूनियर है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बार नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हुई हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है मास्टर कैटेगरी, जिसके अंदर 45 से लेकर और 60 एज तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो सीनियर मास्टर है वो 60 प्लस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शूटर, इसके अंदर पार्टिसिपेशन के अंदर ही दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जो है कि अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर का 15% भी अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपको 3000 रुपीज की पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। शूटर्स, इसी के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन के अंदर ही, वो है कॉम्पिटिटर कार्ड का पॉइंट है। जब आप शूटर आईडी से अपनी एंट्रीज भेजते हैं तो वहां पे NRAI के द्वारा आपकी आईडी अप्रूव्ड की जाती है, और फिर आपको कॉम्पिटिटर कार्ड इशू किया जाता है। इशू करने के बाद दोस्तों, हम वहां से डाउनलोड करते हैं उस कार्ड को। जो हम कंपटीशन खेलने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हमें दिखाना होता है वो कार्ड। तो बाई चांस अगर आपसे वो कार्ड गुम हो जाता है तो आपको वहाँ पे 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी। वहाँ पे आपको दोबारा इशू कर दिया जाएगा, लेकिन आपको 200 रुपये उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो मेरी सलाह है दोस्तों आपसे कि जब भी आप डाउनलोड करें, कम से कम 2 कंप्यूटर कार्ड अपने साथ रखें। आप एक अपने आप वेपन बॉक्स में रख सकते हैं और दूसरा आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, ताकि आप 200 रुपीज़ की पेनल्टी से बच सकें। शूटर्स, पार्टिसिपेशन के अंदर ही हमारे लास्ट दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जो है, जो शूटर पिछली बार नेशनल खेलने गए थे, अगर वो MQS यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर अचीव नहीं कर पाए हैं, तो इस बार वो मावलंकर के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर कैटेगरी के अंदर ही अपनी एंट्री भेजेंगे। और तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिनोट शूटर्स हैं वो MQS कैटेगरीज के अंदर अपनी एंट्री नहीं भेज सकते हैं, उनकी एंट्री एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी। अब हम बात करते हैं एम्यूनिशंस की। जो एयर इवेंट्स हैं उसके लिए जो पैलेट्स चाहिए वो हम अपने साथ कैरी करके चलेंगे, और टारगेट्स हमें वहीं पे इशू हो जाएंगे। और जो 25 मीटर या 50 मीटर के लिए जो एम्यूनिशन चाहिए हमें, वहाँ पे हम पे करके ले सकते हैं। शूटर्स, इसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक वेपन को सिर्फ 3% यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जानकारी आपको NRAI को पहले ही देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसी के अंदर है अकोमोडेशन। जब आप शूटिंग कॉम्पिटिशन के लिए वहाँ पर मावलंकर केरला के अंदर जा रहे हैं, तो आपको
होटल्स वहाँ पे आपके आस रेंज के आसपास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। NRAI की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ आपके लिए वहाँ पे रुकने के लिए कुछ सिस्टम किया जाए, तो आप वहाँ जाएँ और अपने होटल्स बुक कर सकते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अभी से अपने होटल बुक कर सकते हैं, क्योंकि डेट इशू हो चुकी है, 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर की डेट है, तो आप ऑनलाइन जाके अपने होटल्स चेक कर सकते हैं अभी से। अभी आप बुक कर लेंगे तो आपको ठीक प्राइस में पड़ेंगे, अगर आप बाद में करेंगे तो आपको ओबियसली बात उस टाइम थोड़ा ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में। जिस दिन भी आपका शूटर्स मैच है, मतलब जो भी आपकी टाइमिंग है मैच की, उससे 90 मिनट पहले आपको रिपोर्ट करना है, यानी कि डेढ़ घंटा पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों आपको अपनी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव 48 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव वहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी, और आपके साथ एक पर्सन अलाउड है। अगर आप किसी को साथ में लेके जा रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट भी 48 घंटे पहले नेगेटिव आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इसका वॉयलेशन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई भी करा जा सकता है। ओके शूटर्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शूटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कसर रह गई है जो आपको जानना चाहिए वो नहीं बता पाया हूँ मैं, तो आप कमेंट में बताइए, जितना जल्दी हो सकता है उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और जो NRAI का शेड्यूल्स है पिस्तल मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप का, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, तो आप वो डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।